नतीजों पर फोकस, इसमें हम बात शुरू करेंगे एनएचपीसी से। एनएचपीसी आज काउंटर गिर गया है और नतीजे कुछ इस तरह के थे, आपको समझ भी आ जाएगा कि क्यों गिरा है। रेवेन्यू तो 4% भले ही अप रहा, एबिटा करीब 2% अप रहा, लेकिन असली प्रॉब्लम आई थी मार्जिन्स पर और नेट प्रॉफिट पर। मार्जिन्स 140 बेसिस पॉइंट गिरे, 60.3% से गिरकर 58.9%, और नेट प्रॉफिट 37% गिरता हुआ दिखाई दिया। आशीष सर, एसजेवीएन के रिजल्ट्स तो ठीक आए थे, काउंटर पर रिएक्शन भी था, लगभग सेम सेगमेंट में है कंपनी, और एनएचपीसी के रिजल्ट्स में डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा। एक तो पहले ही ये सारे शेयर डिसअपॉइंटमेंट के शिकार हो चुके हैं अपने हाई से अगर देखें, अब और डिसअपॉइंटमेंट वाले ये जो रिजल्ट्स हैं, ये और कितना नीचे तक ले जा सकते हैं इन शेयर्स को? बिल्कुल जरूर, थोड़ा सा रेवेन्यू में तो इनफैक्ट क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी एक अच्छा ग्रोथ देखने में मिला था, 2600 करोड़ से 3000 करोड़ पहुंचा, बट प्रॉफिटेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट डाउन फॉल देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में 1100 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ जो गिर के 1069 करोड़ का हो गया है। तो बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है एनएचपीसी की तरफ से। और यहाँ पर दो समस्याएँ हैं कि ये जो भी पीएसयू स्टॉक है उसमें ऑलरेडी रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी हद तक ट्रैप हुए हैं ऊपर के लेवल पर, और यदि उसके ऊपर नतीजे उम्मीद के हिसाब से नहीं आ रहे तो और फॉल देखने को मिल रहा है। यही हमने देखा हुडको में या इंजीनियर्स इंडिया में, आप देखिए कहाँ से स्टॉक कहाँ पीक से कहाँ आ गए। तो रीज़न यही कि यदि नतीजे आपके उम्मीद के अनुमान से के यदि वीक आते हैं और जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग बिल्कुल भी नहीं है तो स्टॉक में काफ़ी सेलिंग देखने को मिलती है आगे। तो मेरे भी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की या अभी भी नई पोजीशन नहीं लेने की मैं सलाह दूँ। बिल्कुल, अगर हम देखें तो भले ही इनके नतीजे YoY थोड़े ख़राब हों, जो कि 37% डाउन दिख रहा है, लेकिन Q-on-Q उतने ख़राब नहीं है। आशीष सर भी बता रहे, रेवेन्यू बिल्कुल अप है, मैं भी देख रहा था, करीब 2700 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़, और 1108 करोड़ से घटा है थोड़ा मुनाफा, 1069 करोड़, लेकिन कहीं ना कहीं उतना भी ख़राब नहीं दिख रहा है। तो पहला रिजल्ट तो हो गया सर, इसलिए काउंटर भी थोड़ा सा निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन सर दूसरा काउंटर है सेल। यहाँ पर रिजल्ट्स देखने से तो ख़राब लग रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन तो और ज़्यादा ख़राब थी। वो तो मान रहे थे कि इस कंपनी का लॉस आ जाएगा। मैं कुछ एक रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, रेवेन्यू 17% बढ़ा है, एबिटा 25% माफ़ कीजिएगा घटा है, रेवेन्यू 17% और एबिटा भी 25% घटा है, मार्जिन्स भी डिक्रीज़ हुए 120 बेसिस पॉइंट, और नेट प्रॉफिट 31% घटा है। स्ट्रीट सोच रहा था कि लॉस आएगा, लेकिन यहाँ पर 897 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, यही एक बड़ी बात है। और अगर Q-on-Q भी देखें तो कंपनी ने नतीजे ठीक ठाक पेश किए हैं सर, लेकिन आज इसकी शायद बैड लक है, क्योंकि यहाँ नतीजे कंपनी ने ठीक ठाक पेश किए, कमेंट्री भी ठीक मैं देख रहा था मैनेजमेंट की थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया जिसकी वजह से आज ये काउंटर पिट गया। कैसे ट्रेड करें सर सेल को? ये सेल का भी एक यदि आप ट्रेंड देखें तो 84-85 से स्टॉक ऑलमोस्ट 175 रुपये तक गया था, और अब बहुत समय से 100 से 110 से 125 के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। जरूर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़े नतीजे लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में बेटर ही हैं कि लास्ट क्वार्टर में 740 था, इस बार 897 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया, तो नंबर्स तो ठीक है, बट जो मार्जिन में गिरावट है ये भी सबको मालूम था कि स्टील का सेक्टर का, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि प्राइसेस में प्रेशर है और मार्जिन्स में भी प्रेशर बना हुआ है इन कंपनीज के, तो मिक्स रिजल्ट है। मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं या बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट हैं, बट स्टॉक में इस लेवल पे एक बॉटम फाइंड कर लिया है, और मुझे लगता है अब 115 के नीचे शायद ये स्टॉक ना जाए, तो लंबी अवधि के निवेशक जो हैं वो स्टॉक को देख सकते हैं। जरूर मैं स्टील सेक्टर को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट मेरा मन है एक बेस स्टॉक को जरूर मिल गया है। जी ल्यूपिन सर, ल्यूपिन की बात करते हैं, नतीजे तो बड़े अच्छे रहे लेकिन काउंटर पर रिएक्शन तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। स्ट्रीट इसको तो दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउसेस कवर करते हैं, मैं एक बार नतीजे पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू 13% अप, एबिटा 42% अप, मार्जिन भी एक्सपेंड हुए 18.3% से बढ़कर मार्जिन 23.1% देखने के लिए मिले, प्रॉफिट 74% बढ़ा। सर उसके बाद भी काउंटर में क्यों नहीं इतनी तेज बढ़ा देखने के लिए मिली, काउंटर फ्लैट सा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऑलरेडी थोड़ा सा जो रिजल्ट अच्छे थे वो फैक्टर इन हो गए। यदि आप देखें स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट
आज तो 2124 रुपए के आसपास है, बट 1800-1900 के लेवल से स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और अच्छे इसमें इंस्टीट्यूशनल परचेजेस भी पिछले क्वार्टर में देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के बाद में बहुत ज़्यादा अपसाइड उम्मीद कर रहे थे, मेरा मानना है फिर भी इस स्टॉक की आगे जाके भी रीरेटिंग होगी कि मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट में उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। यदि हम देखें तो 889 करोड़ का उनका लास्ट क्वार्टर था, फिर या 852 करोड़ के आसपास का नंबर है, तो नंबर का उनके काफ़ी स्टेबल आ ही रहे हैं ऑलरेडी। पर थोड़ा सा आज बाजार की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई बहुत ज़्यादा राइज अच्छे नंबर्स आने के बाद में भी नहीं मिल रहा है स्टॉक्स, क्योंकि लोग थोड़ा अभी भी वेट एंड वॉच पर है। तो बट नंबर्स अच्छे हैं और मेरा मानना है आगे जाके स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म करेगा और मुझे लगता है कि शायद 2300 रुपये के लेवल अगले क्वार्टर तक इस स्टॉक में दोबारा क्रॉस हो जाएगी। जी, तो ल्यूपिन के नतीजे अच्छे हैं और हो सकता है कि आगे आउटलुक भी ठीक है। तो कंपनी पर सर ने बोल दिया कि लक्ष्य जो है थोड़े बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट काउंटर सर, इंडियन होटल, इसने काउंटर ने रिएक्ट भी उतने ही अच्छा किया। कल मुझे याद है अविनाश सर इस पर बाय कॉल देकर गए थे, उस समय काउंटर 780 चल रहा था, आज माफ़ कीजिएगा 680 चल रहा था, आज ये 730 की रेंज तक भी आ चुका है। मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू में 27%, एबिटा में 41% का जंप, मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आया करीब 270 बेसिस पॉइंट का, 24.8% से बढ़कर एबिटा मार्जिन 27.5% देखने के लिए मिले हैं। नेट प्रॉफिट भले ही 226% बढ़ा है, लेकिन इसमें कैश है कि कंपनी को 360 करोड़ रुपये का एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है। अगर उसको भी हटाकर देखें, 307 करोड़ रुपए के गेन को भी हटाकर देखें, तो भी मुनाफा ठीक ठाक बढ़ा है, कोई मुनाफे में कमी नहीं है और मार्जिन एक्सपेंशन है, एबिटा प्रॉफिट में एक्सपेंशन है। तो और गाइडेंस भी मैनेजमेंट कह रहा है कि डबल डिजिट हमारी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी इस साल में। सर, इंडियन होटल पूरी इंडियन इंडस्ट्री अगर हम देखें तो कॉरपोरेट्स हो, इंडिविजुअल हो, रियल इस्टेट हो, सभी में एक पीकआउट जैसी फीलिंग आ रही है और थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं। ऐसे में होटल चलेंगे उतनी ही पेस से चलेंगे जितना इंडियन होटल मान रहा है, और शेयर भी उसी तरह से दौड़ेगा। शेयर तो ऑलरेडी आज 52 वीक हाई पर आ गया है, बिल्कुल तो बाजार को नतीजे भी अच्छे लगे हैं और मेरा मानना है जो 750 करोड़ का मेरे ख्याल से अगले पिछले साल का उनका मुनाफा था वो ट्रैक पे चल रहे हैं उस 750 करोड़ के, और मुझे लगता है 900 करोड़ के आसपास का मुनाफा यदि ये एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें और ऐड करेंगे तो 1000 करोड़ के ऊपर का इसका मुनाफा इस साल क्रॉस हो जाएगा। तो जिस हिसाब से होटल की ऑक्यूपेंसी है, जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं, अभी भी स्टॉक जरूर सबसे महंगा स्टॉक है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आज मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया है और 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, बट जो ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। यदि आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देखें तो जैसे आपने ईयर ओवर ईयर आप रेवेन्यू दिखा रहे हैं 1400 से, तो इस बार भी काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ इस क्वार्टर में भी टॉप लाइन में भी रही है, जो 1550 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 1800 करोड़ हो गया। तो ग्रोथ तो है इस इंडस्ट्री में और जिसके कारण से स्टॉक आज 52 वीक हाई पर है, और मुझे लगता है होटल सेक्टर में यदि बैट लेना है तो अभी भी जो स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है वो इंडियन होटल ही रहेगा। ठीक है, तो इंडियन होटल अभी भी यहाँ पर बैट सर पॉजिटिव ही लगा रहे हैं, भले ही कुछ भी हो रहा हो लेकिन कंपनी के नतीजों पर ही अर्निंग जो फ्रेंड है वही रहेगी, ट्रेंड भी उसी के हिसाब से शेयर का चलेगा। RVNL यहाँ पर सर नतीजे थोड़े से वीक देखने के लिए मिले हैं और उसका इम्पैक्ट भी काउंटर को झेलना पड़ रहा है आज, और ना सिर्फ ये झेल रहा है, पूरा ही रेलवे काउंटर झेल रहे हैं। पहले मैं नतीजे RVNL के पढ़ देता हूँ। रेवेन्यूज़ में करीब 1.5% की गिरावट, एबिटा 9% गिरा हुआ है, मार्जिन्स में करीब 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली, 6.1% के तो ऑलरेडी मार्जिन्स थे वो भी घट गए हैं, 5.6 पर आ गए हैं, इसीलिए नेट प्रॉफिट भी 27% गिर गया है। सर, ऑलरेडी काउंटर हाई से तो काफ़ी पनिश हो चुका था, लेकिन फिर वही बात NHPC वाली कि काउंटर को मार झेलनी पड़ रही है क्योंकि चला भी ये उसी स्पीड से था। 640 के करीब तक ये गया है, अपने ऑल टाइम हाई जो बनाया है इसने 647 के बनाया आई बिलीव, और ये बनाया इसने 15 जुलाई को, और वहां से अब 400 की रेंज में आ चुका है, तो क्या करें सर? क्योंकि ये भी एक स्टॉक, जैसे हम बात करते रहे कि एक जो रिटेल पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में भी ट्रेडिंग में बहुत रहा है, 150 रुपये से स्टॉक 600 रुपये के, 670 रुपये शायद आपने बताया वहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद
अब काफ़ी समय से एक नैरो रेंज में है, बट काफ़ी वोलेटिलिटी इस स्टॉक में रहती है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक वन वे डाउन रहता है, बट बिल्कुल नंबर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है RVNL जैसे स्टॉक को ख़राब परफॉर्म करने का, जब आपके पास में कंटिन्यूसली नए ऑर्डर्स आ रहे हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो ज़रूर मार्जिन्स पे प्रेशर बना हुआ है थोड़ा सा। आपके जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण से, बट मैं मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जो बॉटम आउट है वो शायद 400 से 425 रुपये तक हो जाएगा, और मैं इसको एक एक्सेप्शनल क्वार्टर की तौर पे देखता हूँ। मुझे लगता है कि इसके बाद वाले क्वार्टर में ये थोड़ा सा मेकअप हो जाएगा, तो थोड़ा गिरावट पे इस स्टॉक को मैं बिल्कुल लेना चाहूँगा। गिरावट में सर लेना चाहेंगे तो सर क्या पर्टिकुलर रेंज होगी जहां पर कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इस काउंटर को लेने के लिए? मुझे लगता है 400 से 425 के लेवल पे इसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। एंड सर उस समय फिर अपसाइड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? अब देखिए, मुझे लगता है वो 650-700 के लेवल तो अब इतने स्टॉक्स में आते दिखाई देते नहीं है, बट 400-425 लेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर का यदि लक्ष्य रखेंगे तो 500-550 से 550 पॉसिबल है, सब्जेक्ट टू अगला क्वार्टर में अच्छे नतीजे आ जाए RVNL के, तो इसलिए थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लोअर लेवल पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है और करीब 100-400 से 425 की रेंज में, और आगे के जो लक्ष्य रहेंगे वो कम से कम 100-125 रुपये के ऊपर के देखने के लिए मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग सर, लेकिन आज भी रिजल्ट्स काफ़ी सारे हैं और लीडिंग कंपनीज के हैं। मैं एक बार रिजल्ट्स देखना चाहूँगा, उसमें SBI सबसे मेन है। सर PSU बैंक्स में अगर हम देखें तो SBI आज एक तरह से अपने नतीजे समाप्त कर मतलब नतीजों का जो एक बड़ा बैंकिंग का एक सीज़न था वो समाप्त हो जाएगा SBI के नतीजों के साथ। हालांकि नतीजे और भी हैं, LIC का है, शिपिंग कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, फोर्टिस, ओला इलेक्ट्रिक और बहुत सारी कंपनीज हैं, जुपिटर वैगन, पूर्वांकरा, इंडिया सीमेंट्स। सर मैं कुछ एक नतीजों पर बात करना चाहूँगा, SBI इसमें क्या करें, क्योंकि PSU बैंक्स में PNB, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी ने अच्छे नतीजे पेश किए थे। SBI से भी उम्मीदें ठीक हैं, डबल डिजिट ग्रोथ की तो उम्मीद स्ट्रीट भी कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर शेयर को और नतीजों को? मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एंथुजियाज्म है अभी PSU के नतीजों को लेकर, क्योंकि नतीजे अच्छे आने के बाद भी स्टॉक्स में तो कोई बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिलता नहीं है। और जो और एक और प्रॉब्लम हो जाता है, जब नतीजे अच्छे आते हैं स्टॉक 2-4 रुपये ऊपर आता है तो रिटेल ट्रेडर उसमें कि वैल्यू है, अच्छे नतीजे हैं समझ के और ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी अभी थोड़ा सा से सेक्टर को अवॉइड कर, क्योंकि हर इस इन सारे बैंक्स में ऊपर के लेवल पे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो मेरी सलाह ऊपर यदि स्टॉक में अच्छे नतीजे आने के बाद में कोई रैली आती है तो बेचने की रहेगी, या एटलीस्ट अभी रैली पर आप स्टॉक को बाय ना करें तो भी चलेगा। जी सर, जुपिटर वैगन के भी आज रिजल्ट्स हैं, ये आई थिंक RVNL के रिजल्ट्स देख के भी डर गए हैं लोग, और इस काउंटर में भी आज मुनाफा वसूली शुरू कर दिया, 2% ये काउंटर नीचे आ गया। क्या लगता है सर जुपिटर वैगन इसमें, अगर जो मैं इनका पिछली बार का सितंबर क्वार्टर देख रहा था तो 879 करोड़ का इनकी सेल थी और 82 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, और जून क्वार्टर देख रहा हूँ तो 895 करोड़ का रेवेन्यू था और 89 करोड़ की प्रॉफिट था। अगर जून क्वार्टर की तर्ज पर भी ये इस क्वार्टर में कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिट दे देते हैं तो 5-10% की ग्रोथ तो सर आ ही सकती है, और अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा, और अगर दे दी तो क्या काउंटर रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी कोई बहुत ज़्यादा बाज़ारों में इंटरेस्ट है रेलवे स्टॉक्स को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें कि मार्च से जून में थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा टॉप लाइन में एज वेल एज बॉटम लाइन में, और मेरा मानना है सेम ट्रेंड चालू रहेगा इस क्वार्टर में भी, सितंबर क्वार्टर में भी, तो मेरी अभी इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है। जी सर, केवल एक और काउंटर जिनके की नतीजे आ जा रहे हैं उस पर बात करूंगा मैं, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स पर और अशोक लेलैंड पर। इनफैक्ट सर क्या आउटलुक है आपका अशोक लेलैंड पर, क्योंकि अशोक लेलैंड पर हमारे काफ़ी दर्शक रोज़ सवाल पूछते हैं। ये भी एक स्टॉक है जिसमें लोग हमेशा ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं। अशोक लेलैंड में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा पैसा बना है इन्वेस्टर्स का, और क्योंकि जो नतीजे आते हैं इनके उसमें काफ़ी ज़्यादा
वोलेटिलिटी रहती है कि आपने सोचा कुछ और आता कुछ है। यदि आप होते हैं तो अचानक से अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, और जब आप सोचते हैं कि अच्छे नतीजे आएंगे तब वो कुछ स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि जो उनका सेक्टर है वो काफ़ी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है कि जो उनके बसेज हैं या ट्रक्स हैं, तो अल्टीमेटली जैसा इंडस्ट्री परफॉर्म करती है वैसा ही जो उनके एंड यूज़र्स हैं उसी हिसाब से उनके बिक्री के आंकड़े आते हैं। मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक को अभी अवॉइड करने की, मैं इस स्टॉक को 200 रुपये के नीचे हुए लेना चाहूँगा, पर अभी अवॉइड ही करूँगा। जी आशीष सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं, कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? जी अभी मैं बाजारों को लेके बहुत ज़्यादा वैसे बुलिश नहीं हूँ, फिर भी जो कुछ स्टॉक मुझे पसंद है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा मानना है जिस हिसाब से NSE के नतीजे आ रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनियों की लिस्टिंग हो रही है, एक्सचेंजेस जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब NSE लिस्ट होगा तो BSE पे ही लिस्ट होने वाला है, तो काफ़ी वॉल्यूम्स वहाँ पे भी बढ़ेंगे, तो BSE मेरा यहाँ पे पिक नंबर वन है। इसके अलावा CDSL भी मुझे पसंद है, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं और जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट का जो ट्रेंड बढ़ रहा है उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी है। और तीसरा मुझे लगता है प्रोटीन ई गवर्नेंस, जो डिजिटल सिग्नेचर और जितने भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब उन्हीं के थ्रू होते हैं, तो ये दो तीन स्टॉक नज़र पे नज़र रखना चाहिए जिस पर मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर ड्रिवन है और ग्रोथ को लेकर कहीं कोई चिंताएँ यहाँ पर आने वाली नहीं है, तो ये दो तीन मेरी पिक्स हैं। बिल्कुल आशीष सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं नितलेश पावस्कर जी। नितलेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मार्केट में मैं पहले आपसे रिएक्शन जानना चाहूँगा कि ये जो फेड भी आ गया, ट्रंप भी आ गए, सब कुछ हो गया, कोई ब्रॉडर रेंज है जहाँ पर कि लोगों को सोचना चाहिए कि इसके नीचे डर लगेगा या यहाँ पर हमें खरीदारी करनी है, या पर्टिकुलर लेवल जहाँ पर कि हमें अगर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है, या इसके ऊपर निकलेगा तो और ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा ऑन द पॉजिटिव साइड? देखो बाजार में अगर हम लोग बात करेंगे तो 24,200-250 एक इम्पोर्टेंट रेंज था बाजार, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, एक दो दिन और मार्केट को देखना पड़ेगा कि इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है। अगर क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है तो बाजार में और वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, फिर बाजार में लोअर साइड भी ऊपर हो सकती है 30,800 इनिशियल लेवल के ऊपर, उसके बाद 30,500 ये टारगेट के लिए बाजार ऊपर हो सकता है। लेकिन बाजार अगर मंडे से मिल से 24,250-270 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, हम लोग एक यहाँ से एक और रिलीफ रैली हम लोग देखेंगे, तो फिर अगला जो पड़ाव होगा वो 24,500 का होगा। 24,500 को अगर हम लोग क्रॉस कर देते तो फिर 24,800-24,900 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बना के चले, जहाँ पे भी आपको मौके मिलेंगे तो वहाँ पे आप लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, तो अभी के लिए इंडेक्स से मेरा राय है कि अवॉइड करना चाहिए। लास्ट टाइम पे जब मैं शो पे था विपुल सर के साथ शो कर रहा था, मैंने एक व्यू दिया था 2,800 के आसपास खरीदने को, वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का एक मोमेंटम दिखाया, तो अभी हम लोग कोई भी इंडेक्स में पोजीशंस नहीं बना रहे, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके चलते हैं।